أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ میں زیشان علی آپ کو اپنے چینل زیڈ ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بنائیں گے آلو مٹر قیمہ کی ریسیپی۔ یہ کیسے بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آلو مٹر قیمہ ریسیپی تیار کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہیں: 1 ٹی سپون ہلدی، 1 ٹیبل سپون نمک، 1 ٹی سپون ریڈ مرچ، زیرہ اور سبز الائچی، 1 ٹی سپون قیمہ مسالہ، ادرک لہسن کا پیسٹ، ثابت دھنیا، گرم مسالہ، 2 ٹماٹر لیے تھے ہم نے، ان کو ہم نے گرائنڈ کر لیا، 2 پیاز لیے تھے ان کو بھی گرائنڈ کر لیا ہم نے، 2 آلو، مٹر 250 گرام، 6-7 سبز مرچ اور 500 گرام ہم نے بیف قیمہ لیا۔ آئیے آپ اس کو تیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ہم ہانڈی چولہے پہ چڑھا لیتے ہیں۔ آئل ایڈ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سب سے پہلے ہم زیرہ اور سبز الائچی آئل میں ایڈ کریں گے۔ زیرے کو ہم نے آئل میں فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ زیرا فرائی ہو چکا ہے، ابھی ہم اس میں جو ہم نے پیاز گرائنڈ کیے ہوئے تھے وہ ہم ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے، 4-5 منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اچھی طرح ہم براؤن ہو جائے۔ ابھی ہم پیاز چیک کر لیتے ہیں اپنے، ماشاءاللہ پیاز بہت اچھا پک رہا ہے۔ ابھی اس کو مزید ہم نے براؤن کرنا ہے، 3-4 منٹ کے لیے اس کو مزید پکائیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے، ابھی ہم اس میں
अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से पकाना है हमने, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऑयल में ऐड हो जाए और हम मज़ीद हम इसको ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह अभी इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह प्याज हमारा अच्छी तरह पक चुका है, लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाना था कि ऑयल अलहदा हो जाए और टमाटर प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे तरीके के साथ। मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और ऑयल भी इन्होंने छोड़ दिया है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कीमा मसाला, साबुत धनिया और गरम मसाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल मसाले से अलहदा हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको आइए अभी मसाला चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, ऑयल भी अलहदा हो रहा है। अभी मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल से भी अलहदा हो गया। अभी हम इसमें बीफ कीमा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसको हमने 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको मिक्स करते रहना है। 5 मिनट के लिए इसको भुनेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अभी इसको हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
आपको हमारे वीडियोस कैसी लगती हैं काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसको अब हमने 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको भुनना है, मिक्स करते रहना हमने इसको। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 5 मिनट हो गए हमें कीमा को रखे हुए। माशाल्लाह कीमे का कलर भी चेंज हो गया और देखें अलहदा अलहदा हो गया जी। अभी मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट और भुनेंगे। दो से तीन मिनट के लिए कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह कीमा हमारा भुन चुका है। अभी हम इसमें आलू ऐड करते हैं। मटर ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम अभी मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको भुनेंगे ताकि आलू और मटर भी वो भी ऑयल में अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। इसको हम 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा हो गया इसका। अभी हमने मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से कीमा आलू पक जाएं। अभी हम इसमें छोटी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिक्स कर लेते हैं इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। अभी मज़ीद इसको हमने 10 मिनट के लिए भूनना है इसको ताकि कीमे का जो सा पानी है वो सूख जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल अलहदा हो चुका है और 10 मिनट हो गए हमें इसको भुनते हुए। अभी मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए और इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अभी मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे आलू मटर कीमा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। आलू अभी थोड़े से कच्चे हैं
इसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। और इसको हम मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका पानी सूख जाए और हमारे आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएं। पाँच मिनट के लिए इसको पकाते हैं ताकि पानी सूख जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी भी सूख चुका है। मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम और हमारे आलू मटर कीमे की जो सी रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और आज की जो सी हमारी आलू मटर कीमा की रेसिपी है इसको भी आप ज़रूर बना के टेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयार हो गई है। आलू मटर कीमा हमारा रेडी हो गया। अभी हम गार्निश के लिए इस पर सब्ज़ धनिया ऐड कर लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी आलू मटर कीमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आप डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए आप डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा आलू मटर कीमा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। गार्निश के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल लेते हैं। अदरक छोटी छोटी काट के रखी हुई थी वो गार्निश के लिए। सब्ज़ मिर्च, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम खाना शुरू करने लगे हैं, खाना टेस्ट करेंगे। खाना शुरू करने से पहले मैं एक बात का एडिशन करना चाहूँगा कि हम लोग परदेश में कयाम पजीर हैं, दुबई में, तो काम की नीयत अमूमन इस तरह की होती है कि हमें खाना जो सा वो बाहर से खाना पड़ता है, जंक फूड्स वगैरह हो जाते हैं, बाहर से किसी भी होटल से हम खाना खाते हैं, तो उसका ज़रा मसाले वगैरह उन चीज़ों का नहीं पता होता, तो उसकी वजह से सेहत का भी प्रॉब्लम रहता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने घर में खुद अपने हाथ से खाना बना कर खाएं। तो मूवी भाई टेस्ट करके बताएँगे। बहुत अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। यही सिचुएशन है सारी, यहाँ पे प्रदेश में घर के खाने को जो है ना सारे प्रदेशी इधर जो है ना तरस जाते हैं। हमारे शानी भाई हैं इधर, हमें जो है ना अपना घर वाला माहौल दिया हुआ है,
और खाने का टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आज का तो बहुत ही अच्छा है खाने का टेस्ट। थैंक यू। तो काइंडली मेरे चैनल जेटर वर्ल्ड को काइंडली सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन का बटन भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।